हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल रतन ज्योति योगेश पर स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही टोस्ट, जो कि मैंने बहुत ही कम सामान में बनाए हैं। और इन्हें किस तरह बनाया है वो हम अपनी वीडियो में देख लेते हैं। हाँ फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर कर दिया है तो थैंक यू। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने ब्रेड लिए हैं, ये एकदम फ्रेश ब्रेड हैं, उन्हें हमें तिकोना काट लेना है और ये आसानी से कट जाते हैं। इनमें ज़्यादा दबाव देने की ज़रूरत नहीं होती, बस हमें तिकोना काट लेना है। अगर आपको दो चार लेके खट्टी भी काट सकते हो और चाहो तो आप एक एक करके काट सकते हो। मैंने चार चार ब्रेड लेके काटी हैं और क्वांटिटी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो। और ये मैंने ब्रेड अच्छी तरीके से काट लिए हैं, देखिए आप देख ही पा रहे होंगे। देखिए मैंने ये तिकोना काटा है और अब हम इन्हें एक साइड में रख देते हैं। और अब ये मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें एक कटोरी, जो बड़ी कटोरी है वो मैंने चीनी ली है। और ये मेरी 10 ब्रेडों के लिए है। और अगर आप क्वांटिटी ब्रेड की बढ़ाते हो तो चीनी बढ़ा सकते हो। और ये आधा कटोरी पानी लिया है और उसे मैंने गैस पर चढ़ा दिया है और इसे हमें पकाना है, इसकी चाशनी बनानी है। और ये इसमें मैंने इलायची डाल दी है और इसे हमें अच्छी तरीके से चीनी को घुलने तक पकाना है। और हाँ फ्रेंड, हमें जो चाशनी बनानी है ज़्यादा पतली या ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, हमें सिर्फ एक तार की ही चाशनी बनानी है। और ये देखिए उफान आ गया है चाशनी में, तो अब हमें इसमें से जो गंदगी है वो निकालनी है। तो हमें इसमें थोड़ा सा दूध डालना होगा, तो पलटे को एक साइड में रख देते हैं। अब हमें इसमें दूध डालना है, देखिए मैं थोड़ा सा हाथ से दूध डाल देती हूँ। और अब इसे हमें इसमें उफान लाना है। दूध हम इसलिए डालते हैं जो कि चीनी में हमारे जो भी गंदगी है वो बाहर निकल आए, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। अगर आपकी चीनी में गंदगी नहीं है, एकदम वाइट चीनी है, तो भी थोड़ा सा गंदगी निकल आती है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। और देखिए किनारों पर जो गंदगी है वो निकल आई है, तो अब हम इसे पलटे की सहायता से बाहर निकाल लेंगे। और जब ये जो गंदगी है उसे निकालें तो हमें चाशनी को हिलाना नहीं है, नहीं तो ये इसी में मिक्स हो जाएगी। देखिए चीनी की जो चाशनी है जो एकदम साफ दिख रही है, और जब हमने दूध डाल के साफ़ नहीं किया था तो इसमें ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रही थी, अब हमें ये पारदर्शी दिख रही है, जो कि आप खुद देख सकते हो। अब हमने सारी गंदगी इसमें से निकाल ली है और हम गैस को अब थोड़ा तेज कर देंगे जिससे कि थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। और मैंने गैस को थोड़ा तेज ही रखा है अभी, और एक साइड में मेरा ऑयल गरम हो रहा है। और जो हम ब्रेड डालेंगे हमें ऑयल को एकदम गरम कर लेना है, अगर आप हल्का गरम करोगे तो ये ब्रेड हैं तेल को सोख जाएंगी, तो हमें ऐसा नहीं करना है। ऑयल को हमें तेज रखना है और उसी में सारी ब्रेड सेकनी है, और ब्रेडों को हमें पलट पलट के सेकना है। एक साइड से ये सिक चुकी हैं तो इन्हें पलट देना है हमें, देखिए ब्राउन हो रही हैं ये।
और हमें इन्हें पलटते रहना है, हमें ऐसा नहीं कि डाल के छोड़ दें, नहीं हमें इन्हें पलटते रहना है जिससे कि ये अच्छी तरीके से सिक जाएं। हमें इन्हें अच्छी तरीके से फ्राई करना है। देखिए एकदम ब्राउन हो चुकी हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। और इन गरम गरम ही ब्रेड को हम चाशनी में डाल देंगे जिससे कि ये चाशनी अच्छी तरीके से सोख लें। और गैस को अब हमें बंद करना है, तो पहले ब्रेड डाल देते हैं उसके बाद ही हमें गैस को बंद करना है। देखिए ये हमने डाल दी हैं और इन्हें एक एक करके सभी को अच्छी तरीके से पलट पलट के और दबा के इनमें चाशनी भर जाए जब तक इन्हें रखना है। और इसे हमें जो ब्रेड हैं उन्हें कम से कम 1 मिनट ही हमें चाशनी में रखना है, उसके बाद निकाल लेना है। और सारी ब्रेड हैं जो बाकी ब्रेड हैं हमारी उन्हें भी इसी तरह हमें सेक कर चाशनी में डाल देना है और 1 मिनट बाद निकालना है। और इधर मेरी ये चाशनी में हो गई हैं तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। और इन्हें निकाल कर हमें इकट्ठा नहीं रखना, फैला फैला के रखना है। सारी जो ब्रेड हैं उन्हें हमें फैला के रखना है जिससे कि थोड़ी हवा लग जाए। अगर आप इकट्ठा रखे हुए तो जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो इनमें से नहीं निकलेगी। अगर आप फैला के रखते हो तो जितनी ही इसमें ज़रूरत है उतनी ही चाशनी रहेगी और बाकी निकल आएगी। और देखिए और बाकी जितनी भी हमारी ब्रेड के टुकड़े हैं सभी को इसी तरह फ्राई कर लेना है। देखिए हमारे स्याही टोस्ट बनके तैयार हैं और देखिए कितने गोल्डन हैं। और हाँ फ्रेंड, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको इन्हें तोड़ के दिखाती हूँ ये कैसे बने हुए हैं। देखिए ये एकदम चाशनी से भरा हुआ है और कड़क कड़क है, ऐसा नहीं है चाशनी में डालने के बाद लूज हो गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। और ये बहुत कड़क है और चाशनी से भरा हुआ है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। मिलती हूँ मैं आपसे आगे की कभी अगली वीडियो में। प्लीज़ आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। ओके, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।